सच साहस सरोकार। महाराष्ट्र में होगा आज कैबिनेट का विस्तार। कुलदीप बिश्नोई थामेंगे भाजपा का दामन। चीफ जस्टिस रमण ने की सिफारिश। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। एक्शन में दिखेंगी हिमा दास। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एम्स का निरीक्षण भी किया। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर एम्स में देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल बनाया जा रहा है, जहाँ सीएम योगी आज पहुंचे। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित राजेंद्र नगर हॉस्पिटल और माइफियर्स लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर की संचालिका डॉक्टर सुनीता चंद्रा लगातार बड़े से बड़े और कठिन ऑपरेशन करती आई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक 28 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन करते हुए गर्भावस्था में 4 किलो का ट्यूमर निकालने का नया कीर्तिमान बनाया है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, इतने सारे अल्ट्रासाउंड, सब में एक ही चीज़ कि ट्यूमर बहुत बड़ा है, बच्चा सिर्फ 12 हफ्ते का है, ना बच्चा बचा पाएंगे ना बच्चेदानी बचा पाएंगे। तो खैर थोड़ा बहुत सुनते सुनाते, रायबरेली की पेशेंट थी, रायबरेली के पास के गांव की, तो उसने किसी से पूछा होगा, जो भी हुआ शी केम टू मी, मेरे पास आई। तो मैंने देखा तो एक बार को तो बहुत सच में लगा मुझे भी कि शी इज़ फुल टर्म प्रेगनेंट, बट देन फिर खैर देखा तो पता चला कि नहीं, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी और बाकी सारा पूरा ट्यूमर है, टिल हेयर एपिगेस्टियम हम लोग इसको कहते हैं, पेट के ऊपर के पार्ट तक। फिर डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना है और बच्चेदानी भी बचानी है। बुलंदशहर में सदर तहसील क्षेत्र के गांव बुढ़ाना में ग्राम प्रधान के उपचुनाव में 107 वर्ष की वृद्धा ने मतदान किया। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इस दौरान सदर एसडीएम अरविंद कुमार सिंह मतदान केंद्र पर मौके पर मौजूद रहे और पल-पल के अपडेट भी लेते हुए वो नजर आए। तो आज आपको बताते चले कि प्रदेश के कई जनपदों में उपचुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में एक 107 वर्ष की वृद्ध महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदान किया। ग्राम बुढ़ाना में बाई इलेक्शन ग्राम पंचायत का हो रहा है। यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे होंगे, पर्याप्त सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं ही यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 11 बजे तक लगभग 45% मतदान पड़ चुका था। यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच में। गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स एक बार फिर कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिले में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक के 101 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें मिलाकर जिले में कोरोना के एक्टिव मामले अब 308 हो गए हैं और कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2% भी पार हो चुकी है। तो गाजियाबाद में एक बार कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। वहीं अब जनपद में एक्टिव केसेस की संख्या 308 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 2% के पार जा पहुंचा है, जिससे साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जबकि गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी
रफ्तार ने किस तरह से एक भयानक तस्वीरें सबको दिखाई थी, जलती हुई चिताएं, कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, वैसी स्थिति वापस ना आने पाए इसको लेकर गाजियाबाद का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि गाजियाबाद में एक बार कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और अब तक 101 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोरोना मरीजों की संख्या गाजियाबाद में बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब जनपद में 308 एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, तो अभी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या गाजियाबाद में कितनी बताई जा रही है? देखिए, इस समय जो गाजियाबाद का आज जो निकल कर आंकड़ा आया है, 101 मरीज जो हैं एक्टिव केसेस जो हैं कोरोना के, वो सामने देखने को मिले हैं जो नए केसेस आए हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार जिस तरह से जो लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिख रही है, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर खासा चिंता ही गाजियाबाद में इसलिए बन जाती है कि लोगों का आना जाना दिल्ली से और गाजियाबाद से बना रहता है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये केसेस आए हैं सामने निकल, कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग छोड़िए पूरे हर एक गाजियाबाद के एक एक व्यक्ति को काफी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि 101 केस एकदम से सामने आने और 308 केसेस जो इस समय एक्टिव है, खासतौर पे अगर देखा जाए तो इसमें अछूते डॉक्टर भी नहीं रहे। डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गए। तो कहीं ना कहीं अब जो दोबारा से ये रफ्तार बढ़ने के जो चांसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काफी चिंता बढ़ाने वाली बात आ रही है। जी प्रवीण, जैसे जैसे गाजियाबाद के केसेस में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केसेस, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की और कितना अलर्ट नजर आ रहा है स्वास्थ्य महकमा? देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनको उपचार भी दिया जा रहा है साथ ही साथ, लेकिन जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही ये भी बता दिया गया है सीएमओ द्वारा कि यहां पर बेड की पूरी व्यवस्थाएं हैं, अगर इमरजेंसी सेवा होती है किसी तरह से लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं जनपद में? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये मुद्दा पूछा है, क्योंकि लोग खासा इस समय जो पहले जिस तरह से मास्क पहन के निकलते थे, आज सैनिटाइज किया करते थे, लेकिन अब जो बाजारों की स्थिति है, जैसे कि त्योहार भी आ रहे हैं, अगर बात की जाए ऐसे त्योहार आ रहे हैं, वहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है लोगों में, खासतौर पे देखा जा रहा है। अभी लोग जो है खासा जो पहले जागरूक थे, अब कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई देखने को मिली। बाजारों की बात करें या घर से जब निकलते हैं तब भी कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता, जिस तरह से जितनी भी छूटें दी गई थी उसका अब कहीं ना कहीं लोग जो है अब पालन नहीं कर रहे। इससे भी कहीं ना कहीं कोरोना केसेस जो बढ़ने के ये चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी जो कोरोना की महामारी है ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो अगर इस पर ध्यान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर मास्क नहीं लगाना है, सैनिटाइज नहीं करना, तो बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। जी लेकिन प्रवीण, लगातार जो है सरकार की लोगों से अपील है कि वो मास्क लगाए, 2 गज की दूरी को कायम रखे, तो लोग आखिर लापरवाही क्यों इतना बरत रहे हैं? देखिए, इसमें सरकार की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये महामारी जिस तरह से जो फैली थी ये विकराल रूप ना ले पाए, इसमें लोगों को खासतौर पे अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन सरकार की मजबूरी बन गई थी लॉकडाउन करना, अब वैसे लॉकडाउन सरकार इस तरह का तो नहीं लगाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार लगातार अपील करती है लेकिन उसका पालन कितना किया जा रहा है ये जमीनी स्तर पे, क्योंकि आज के जो 101 केस गाजियाबाद में देखने को मिले, इनका इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर लोग कोरोना के जो मास्क के पालन है वो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आगे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर लोग जागरूक हो गए तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो केसेस हैं इसमें गिरावट भी होगी, कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद में कोरोना की रफ्तार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की टेंशन तो बढ़ाई है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि वो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। कानपुर में उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने सर्किट हाउस में मिशन शक्ति फेज 4 के तहत महिला उत्पीड़न की रोकथाम और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के लिए जन सुनवाई की। इसके साथ ही जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जन सुनवाई में अपर नगर मजिस्ट्रेट जेएल सरोज,
डीपीओ जयदीप के साथ महिला थाना प्रभारी निधि गुप्ता भी मौजूद रहे। आज की बैठक का उद्देश्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की मंशा के अनुरूप है, हर माह महिला जनसुनवाई कानपुर सर्किट हाउस में निर्धारित है शुरू से ही, और उसी क्रम में आज की ये जनसुनवाई चल रही है, जिसमें जो डायरेक्ट लोगों के मामले, कई महिलाएं जिनको नहीं पता होता है कि हमें कानपुर में कहाँ जाना है या हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ऐसे कई मामले हैं जो सीधे लखनऊ ये लोग भेज देते हैं या राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज देते हैं। ऐसे लगभग 300 मामले चिन्हित करके कानपुर हम लोगों को भेजे गए। उससे 300 मामलों में लगभग सभी को हम लोगों ने फ़ोन कराए, कुछ के तो निस्तारण हो गए, जिनके अभी पेंडिंग थे उन लोगों को आज यहाँ बुलवाया है साथ में, कि अगर इनकी सुनवाई उन थानों में नहीं हो रही है तो उसको न्याय दिलाने का प्रयास करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। लखनऊ में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली थल सेना भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेना भर्ती मुख्यालय में आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अब तक उत्तराखंड में करीब 1,00,000 पंजीकरण किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में कुल करीब 4,50,000 के करीब पंजीकरण किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6 और उत्तराखंड में 3 ARO भी हैं। तो आपको बताते चले कि जहां अग्निपथ योजना को लेकर बीते दिनों विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब अग्निपथ योजना को लेकर युवा भी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आखिर ये योजना क्या है, ये योजना कितनी लाभकारी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई बच्चों ने आवेदन किया, जबकि उत्तराखंड में 1,00,000 के करीब आवेदन आए, जबकि उत्तर प्रदेश में 4,00,000 के करीब बच्चों ने आवेदन किया है। वहीं अब ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो चुका है। कानपुर में सचेंडी थाने की मंडी चौकी प्रभारी सुरेंद्र नारायण की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यापारी को धमकाते हुए पाकिस्तान भिजवाने की वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऑडियो को संज्ञान में लेकर ASP आउडर ने CEO सदर को जांच सौंपी है, साथ ही साथ अब जांच की भी रिपोर्ट मांगी गई है। जनपद कानपुर आउटर में थाना सचेंडी के अंतर्गत मंडी चौकी प्रभारी के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं और इस मामले में ट्वीट भी हुआ है, जिस पर संज्ञान लेकर CEO सदर से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर के सचेंडी थाना चौकी प्रभारी सुरेंद्र नारायण का एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और इस ऑडियो में क्या कुछ था जो अब वायरल हो रहा है? मैं बता दूं कि ये सचेंडी थाने क्षेत्र में सब्जी मंडी पड़ती है, वहाँ के चौकी इंचार्ज है, प्रभारी है सुरेंद्र नारायण जी। सुरेंद्र नारायण का किसी ने एप्लीकेशन दी थी, उसके जिसलिए उसको व्यापारी को बुलाया जा रहा था। व्यापारी को एक्चुअली मंडी में काम ज्यादा होने की वजह से उसने एक घंटे बाद जाने के बाद कही, लेकिन इस पे दरोगा काफी भड़क गया। दरोगा भड़कने के बाद में उससे उसका नाम पूछता है, जब उसने अपना नाम बताया तो नाम सुनते ही बिल्कुल उनसे बोला कि तुझे पाकिस्तान भिजवा दूंगा। हालांकि जब CEO से इस विषय में बात की गई तो CEO ने इस पे जांच के आदेश दिए हैं, और जब ASP से बात की गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं जांच का आश्वासन देते हुए कहीं ना कहीं अपना पलड़ा झाड़ लिया है। और इस मामले में जब हमने चौकी इंचार्ज से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो हमारे कैमरे से बचते नजर आए। अब देखने वाली बात है कि जो साक्ष्य है उसमें जांच का विषय तो बनता ही नहीं है। अनिल, इस मामले पर पीड़ित का क्या कुछ कहना है, पीड़ित का क्या कुछ बयान निकल के सामने आ रहा है? पीड़ित का कहना है कि क्या मुझे एक विशेष समुदाय होने की वजह से क्या मुझको उसकी सजा मिल रही है, कि मतलब पुलिस ऐसा बोल रही है। कहीं ना कहीं ऐसे दरोगा जो कि शासन में अपना नाम ऊंचा करने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान देते रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और देखने वाली बात है कि क्या इन सब चीजों पर क्या कोई कार्रवाई होती है या कि इसी तरीके से उनको रखा जा सकता है। जी, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बिजनौर में शहर कोतवाली क्षेत्र के टाउन हॉल के पास देर शाम एक जेब कतरे की युवक ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि पीटने वाला युवक दूसरे युवक की जेब काटकर भाग रहा था, तभी उसे दबोच लिया गया। घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना भी दे दी गई है। जहां जेब कतरे की एक युवक ने जमकर पिटाई की है, यानी कि यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 20 सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से 20 सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में गंज इलाके में एक लापता बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा के किनारे पड़ा मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का अब रो रोकर बुरा हाल भी बताया जा रहा है। फिरोजाबाद के विकासखंड टूडला में प्राथमिक विद्यालय जाजपुर के प्रधानाचार्य चंद्रकांत शर्मा ने मिड डे मील में करीब 11-30 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ कर गबन कर लिए। इसकी जानकारी उस समय हुई जब अधिकारियों ने शिक्षक की संपत्ति की जांच की और आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और कई धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये प्राथमिक विद्यालय जाजपुर विकासखंड टुंडला में कार्यरत अध्यापक हैं श्री चंद्रकांत शर्मा, इनके खिलाफ जो है वो विजिलेंस के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज होने का मामला संज्ञान में आया है, जो एमडीएम घोटाले से संबंधित है। तो जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया, अभी जो है वो अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जब हमें कोई जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, तत्क्रम में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सुल्तानपुर के बल्दी राय क्षेत्र में प्रशासन ने एक गिरोहबंद अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की है और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। इसके साथ ही अपराधी की लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो सुल्तानपुर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जिसके बाद सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया गया। न्यायालय जिलाधिकारी महोदय, वार्ड संख्या 2164/2022, कंप्यूटरीकृत वार्ड संख्या D20-22046-8000-2164, सरकार बनाम विश्वनाथ सिंह और बाबा के अंतर्गत धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद एवं सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के क्रम में जो है ये 30/7/22 को आदेश पारित हुआ है। उसी के संबंध में इनकी जो भी इनके परिवार द्वारा 2,79,95,000 जो इनके द्वारा अवैध रूप से जो अपनी संपत्ति बनाई गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।